हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन 3 यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, जिसमें आपको बीसी लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर लेंथ है, एसी 5 सेंटीमीटर है और एंगल सी जो है वो 60 डिग्री का है. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, आपको बीसी को एज अ बेस कंसिडर करना है. ठीक है, बेस ऑफ द ट्राइंगल. तो बेस ऑफ द ट्राइंगल कितना है बेटा, 6.5 है. तो मैं यहाँ से स्केल के थ्रू 6.5 मेज़र कर लेती हूँ. 6.5 लेंथ का मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. ओके, इसको मैंने बोला बीसी लाइन सेगमेंट. ओके, सो बीसी लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है बेटा, 6.5 सेंटीमीटर है. ओके, अब मुझे क्या करना है, एसी 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है. ठीक है, तो उसको मैं बाद में ड्रॉ करूँगी, पहले मैं क्या करूँगी, सी पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करूँगी. ओके, सो क्योंकि मुझे एसी चाहिए ना, तो एसी बाद ही में ड्रॉ होगा, पहले मैं सी पे 60 डिग्री का एंगल. तो देखो मुझे सी पे बनाना है 60 डिग्री का एंगल, तो मैं प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से सी पे अरेंज करूँगी. ठीक है, और मेरे को सी पे एंगल चाहिए, तो मैं कहाँ से लूँगी, यहाँ से मेज़रमेंट लूँगी. ठीक है, यहाँ से लूँगी ना बेटा मैं मेज़रमेंट, कि यहाँ से लूँगी. ठीक है, अंदर वाले साइड से. तो यहाँ पर कितना बनेगा, नहीं यहाँ से लूँगी ना, तो यहाँ पे मुझे 60 डिग्री बनाना है ना, क्योंकि सी को मैंने यहाँ पे रखा है. तो मैं बाहर वाले साइड का स्केल मेज़र करूँगी और यहाँ पे बनेगा कुछ मेरा 60 डिग्री. ओके, 60 डिग्री यहाँ पे बना. अब मैं इसमें से एक रे पास करूँगी. ठीक है, इस पॉइंट और सी में से एक रे पास करूँगी, जिसको मैं बोलूँगी सी एक्स रे. ओके, सो ये मेरा हो गया सी एक्स रे. अब सी एक्स रे पे मुझे 5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस मार्क करना है. ठीक है, सो यहाँ से मैं राउंडर की हेल्प से भी कर सकती हूँ, स्केल से भी कर सकती हूँ, दोनों तरह से कर सकती हूँ. ठीक है, सो 5 सेंटीमीटर का ही चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे. ओके, ये 5 सेंटीमीटर है. सो मैंने सी पे इसको राउंडर की टिप को रखा और यहाँ से मार्क कर लिया. ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही मिल रहा है मुझे. अब मैं क्या करूँगी, इसको ए पॉइंट बोल दूँगी और ए को बी से जॉइन कर लूँगी. हैंस द गिवन ट्राइंगल ए बी सी हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड. ओके, ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गया. इसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसका लेंथ आपसे पूछा नहीं है, जब पूछे तो आप मेज़र करके बता सकते हो. ओके, थैंक यू.